नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो में आप देख पा रहे हैं 10-12 आदमी कॉटन की लकड़ियां काट के ट्रॉली में लोड कर रहे हैं। कॉटन की लकड़ियां सीजन में इकट्ठी कर ली गई थी और अब इनको काट काट के कहां बेचा जा रहा है, क्या कुछ होगा इनका, ट्रैक्टर घंटे का डीजल कितना ले रहा है, लकड़ियाँ कितनी काटेगी, सारी बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ लगा पड़ा है, दूसरा सामने भरा पड़ा है और तीसरा पास में खाली पड़ा है और लोडर ये रहा। बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया इनकम का सौदा है। खेती किसानी करने के साथ साथ अपना एक साइड बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन साइड बिजनेस तब होगा जब आप 2 से 3 भाई हो, एक भाई खेती करता रहे, एक भाई ये करता रहे। यानी कि अकेला व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता कि खेती भी कर ले और ये किराए वाला काम भी कर ले। इस मशीन की कीमत क्या कुछ है, कितने एचपी का इसको ट्रैक्टर खींचेगा, वो सारी बात अपने करेंगे। भाई साहब अपने साथ हैं, तो भाई साहब आप अपना पहले तो मेरे को परिचय दीजिए। वीरेंद्र खिचड़ नाम है सर मेरा। वीरेंद्र खिचड़ आपका, कहाँ से हो आप? गिड़ीबंगा मंडी से। भाई साहब ये मशीन है उसकी क्या कीमत है एवरेज? लगभग 2.25 लाख रुपए लगभग है। ठीक है, और इसको कितने एचपी का ट्रैक्टर खींच लेता है? 50-55 एचपी का खींचेगा। कॉटन की लकड़ियों में 50-55 का। एक घंटे में काम कितना कर देगा? 20-25 क्विंटल सूखे में का माल। और अगर अपने बात करें गीले की तो गीला माल 50-60 क्विंटल निकालेगी। 50-60 क्विंटल निकालेगी। अगर अपने पास लकड़ियां मोटी हो, 4 इंची 5 इंची तक लकड़ियां हो, निकाल देगी वो। निकाल देगी वो कितना निकाल देगी? वो लगभग निकालेगी सब, थोड़ा निकालेगी वो 10 क्विंटल माल निकालेगी। ठीक है, अब अपने टाइम ज्यादा लगेगा। ट्रैक्टर की डीजल की बात करें तो एक घंटे का डीजल कितना ले लेता है? 3.5-4 लीटर लेता है। 3.5-4 क्विंटल 4-1 लीटर की। आपके पास जॉन्डियर है? सारे जॉन्डियर है। सारे जॉन्डियर पे चला के देखा आपने? जॉन्डियर पे। तो ये जो आयसर है, ये लकड़ियां इकट्ठी करने वाला जुगाड़ है, ये कितने रुपए का जुगाड़ है? ये तो कोई 25,000 रुपए का जुगाड़ ही बनाया हुआ है। कितने सालों से काम कर रहे हो आप? ये तो लगभग लकड़ी वाला तो 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से हो गए। कांटा कुंटा भी आपका खुद का ही है? हाँ जी। तो गीली लकड़ियां भी काटते हो, सूखी भी काटते हो? हाँ, दोनों ही। इनका फिर करते हो क्या, लकड़ियां कहाँ सप्लाई कहाँ करते हो? ये ईंट भट्टों पे और संगरिया थर्मल प्लांट में, परमपुर थर्मल प्लांट में जाती है। साल भर वहाँ जा सकती है? हाँ, चलता ही रहता है वहाँ तो काम। ठीक है, ये कितने महीने काम चल जाता है अपना? ये तो लगभग 4-5 महीने निकल जाते हैं। 4-5 महीने इसमें चले जाएंगे, उसके बाद पल्लर, सरसों का पल्लर नीरा जाएगा। पल्लर आ गया, नीरा आ गया, तो लगभग साल भर काम चल जाता है। 12 महीने काम है। आपके पास कितने ट्रैक्टर हैं? 9 ट्रैक्टर है मेरे पास। 9 ट्रैक्टर है, मतलब मेन बात यह है कि साइड बिजनेस अगर किसान खेती के साथ साथ करे तो बढ़िया काम है। ठीक है, बढ़िया सब। लेकिन 2-3 भाई होने जरूरी है। वो तो है ही। हाँ, वो तो है ही। कोई भाई नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। बंदे होने चाहिए। तो आपके बड़े भाई हैं वो जो सामने खड़े हैं, वो भी शुरुआत उन्होंने की है, आपने की? शुरुआत हमारे पिताजी ने की है साहब। अच्छा, आपने तो काम संभाला है वैसा के? संभाला है। ठीक है, नींव उनकी लगाई हुई है। नींव उनकी लगाई हुई है। गाँव है हमारा। जमीन आपके पास कितनी है? जमीन 40 बीघे साहब। खेती कौन करता है फिर? खेती भाई साहब संभालते हैं सारी। अच्छा, भाई साहब संभालते हैं, आप ये काम संभालते हो? तो भाई मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा जो कार्य करे कैसे कर रही है वो मशीन। तो भाई जैसे कि देख पा रहे हो, इसमें 3 से 4 आदमी तो कांटे लगाने के लिए, गाड़ा लगाने के लिए या अंदर डालने के लिए या इसको सेट करने के लिए चाहिए अपने को। और उसके बाद टोटल आदमी आप गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना आदमी है भाई जी? 10-11 आदमी है। 12 आदमी है। 12 आदमी है। 12 आदमी ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर के ऊपर वो बैठा है, उसके समेत 12 आदमी है। 12 आदमी एक दिन में या सुबह ले गए शाम तक कितना क्विंटल माल तैयार हो जाए, कितना रेड़ा तैयार हो जाए? 2 रेड़ा तैयार हो जाए, 300 क्विंटल माल सुखो माल निकल जाए। 300 क्विंटल डेली को तैयार करते हैं। आज किया अपने लेबर काम कर लाग रही है, इन आप के हिसाब से ज्यादा वजन का हिसाब हो जाए, कितना रुपया क्विंटल देना पड़े? 22 रुपया क्विंटल। और जेका टाइम दिल्ली हुआ भी टाइम दिल्ली 25-26 रुपया 25-26 रुपया क्विंटल डाले। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे भाई, शानदार चीज है। और ये लकड़ियाँ क्या है कि आदमी उठा नहीं पाएगा इसको, तो ना उठा पाने के कारण क्या है कि ये ट्रैक्टर से खींच के इसके नज़दीक कर दी, मुलायम कर दी या पोली कर दी, वो कुछ भी आप कह सकते हो। तो शानदार एक साइड बिजनेस अगर आप करना चाहें तो मेरे विचार से बहुत बढ़िया है भाई, खेती के साथ साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।